everyone. This is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके पूरे साल का टेरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, हम बात करेंगे 2024 की। 2024 लियो आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बट सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ 2024 की, यानी कि 2024 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो 2024 है 8 नंबर का साल। ये 8 कैसे आ रहा है, आपने 2024 को क्या करना है, आप सभी को नंबरों को जो है प्लस 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 कीजिए। 2 + 0 = 2 + 4 = 8, यानी कि 8। और 8 नंबर को रूल करता है हमारा प्लैनेट सैटर्न, यानी कि शनिदेव। जी हाँ, तो 2024 में शनिदेव आपसे फाइनली मिलने आ रहे हैं, उनका टाइम आ गया है। और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको बहुत सारा अबंडेंस भी देकर के जाऊंगा और पनिशमेंट भी रेडी है। अभी अबंडेंस किसको मिलेगा और पनिशमेंट किसको मिलेगी, तो जिन लोगों के कर्मों का जो बही खाता है वो बैलेंस है, अच्छा है, उनको जो है यहाँ पे अबंडेंस मिलने वाला है। और वहीं जिनके कर्मों में प्रॉब्लम थी, जिन्होंने किए हैं बुरे काम, वो हो जाइए पनिशमेंट के लिए तैयार। तो 2024 की जो एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी भी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में आपको नए आयाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। काफ़ी घमासान सा टाइम जो है 2024 का रह सकता है पॉलिटिक्स के मामले में, क्योंकि शनि देव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज मच एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। चलिए तो फिर बात करते हैं लियो की। जी हाँ, लियो और सिर्फ लियो की। लियो के लिए 2024 कैसा रहेगा उस बारे में शुरुआत करते हैं। लियो, आपके लिए गाइडेंस कार्ड में आया है अ न्यू डॉन, रिमेन पॉजिटिव, प्लेफुलनेस एंड ऑल टाइड अप। बात करते हैं आपकी जर्नी की, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर का टाइम कैसा कुछ रहने वाला है। तो शुरुआत करेंगे जनवरी से। जनवरी का जो महीना है उसमें आपके लिए कार्ड्स आया है 9 of Swords का। तो लियो, आप मुझे काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, राइट। और ओवरऑल एनर्जी की भी मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है हर्मिट का। एक्चुअली काफ़ी अलूफ अलोन दिखाई दे रहे हैं। विजडम वाइज बात करूँ तो ये साल काफ़ी कुछ सिखा के जाएगा आपको। आप 100% पहले से ज़्यादा मैं बोलती हूँ बुद्धिमान हो जाएंगे। आपके एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आपकी विजडम यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली है, वो बढ़ने वाली है। और बहुत सारे लोग मैं बोल सकती हूँ कि इस साल आपका जो रुझान है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जनवरी की शुरुआत भी हो रही है 9 of Swords से, यानी कि आप मुझे काफ़ी चिंता में नज़र आ रहे हैं। साल के अंदर एंटर करते करते ही जो है आप यहाँ पे चिंताओं का शिकार दिखाई दे रहे हो। मुझे लग रहा है आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट भी कर रहे हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जनवरी के महीने में आपकी रातों की नींदें जो हैं वो यहाँ पर मुझे ख़राब दिखाई दे रही है। यानी कि होता है ना, क्योंकि जब ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस में हो, तो चीज़ें खराब हो ही जाती हैं। बट यहाँ पे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कई बार जब एनर्जीज चेंज हो रही होती हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के है या काम की लाइफ को लेकर के, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को भी जो है इम्पैक्ट करेगी। तो जनवरी के महीने में आपको अपनी सेहत का एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरवरी की। कार्ड आया है डेथ का। डेथ का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि लाइफ में हो सकती हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ओवरऑल लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने हैं। एक चीज़ से मतलब होता है ना कि बिल्कुल ही रातों रात अगर ज़िंदगी बदल जाए, वैसा कुछ भी फरवरी के महीने में आपको देखना पड़ सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग की जो है को आपको अलविदा कहना पड़ सकता है यहाँ पे फरवरी के महीने में, क्योंकि आई सी दैट सम फैमिली मेम्बर जो काफ़ी ओल्ड एज में है वो फाइनली हमें छोड़ करके भी जा रहे हैं यहाँ पे। आपके आसपास कोई ना कोई दोस्ती यारी में ऐसा इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है। जी हाँ, आपको यहाँ पर उसके बारे में पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास वालों से सतर्क रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्च की लियो। तो मार्च की जो एनर्जीज़ हैं वहाँ पे कार्ड आया है 9 of Coins का, इंडिपेंडेंस का। मनी फ्लो मार्च में आपका बहुत अच्छा रहेगा, नए कामों की शुरुआत करेंगे। अगर आप कोई ऐसा काम है जिसमें आप ही ओनर हैं, आप ऑटोमेटिकली अपना एक इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो आपको मैं बोल सकती हूँ पैसे के मामले में सोचना नहीं पड़ेगा। आमदनी जो है यहाँ पे दिन दुगनी और चार चौगुनी मुझे होती दिखाई दे रही है। काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं। मनी रिलेटेड कोई जॉब का होता ना, आपने इंटरव्यू दे रखा था लेकिन कन्फर्मेशन नहीं आई थी, मार्च के महीने में इस तरीके की कन्फर्मेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगले महीने की। जो है हमारा अप्रैल कार्ड आया है 9 of Coins का, तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ये महीना कुछ ऐसे रहने वाला है कि अगर आप कोई पेमेंट की उम्मीद कर रहे थे कि इस महीने फाइनली ये पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी, तो वो पेमेंट नहीं आने वाली है। पेमेंट मुझे यहाँ पे स्टक दिखाई दे रही है। मनी का फ्लो कम रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कोई इन्वेस्टमेंट में भी आपने पैसा निकालना था, तो वो आती हुई भी मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देती। पैसा स्टक हो रहा है
अप्रैल के महीने में। तो मनी मैटर्स को लेकर के अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं पर भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना है और किसी को यहाँ पर इस महीने आपको उधार भी नहीं देना है, इस बात का आप खास करके ध्यान रखें। मई के महीने के अंदर आपकी होगी अपनों के साथ लड़ाई, यानी कि परिवार में झड़प होती दिखाई दे रही है, दोस्ती यारी में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे बॉस के साथ कहासुनी भी पॉसिबल है, और हो सकता है कि आप ब्रदर्स वगैरह हैं, आपके इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी को लेकर के भी एक दूसरे के साथ भाई बहन जो है सिबलिंग्स जो है आपस में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बीपी जो है, अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो यहाँ पर आपका बीपी बढ़ सकता है, तो प्लीज़ उसका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए। घर के मामले में बोलूँगी कुछ केसेस में, नॉट एवरीबडी, बट मुझे लग रहा है कि सरकमस्टेंस ऐसे बनेंगे कि किसी के घर में यहाँ पर आग लग सकती है, तो प्लीज़ यहाँ पे मैं बोलती हूँ हर चीज़ को डबल चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जून के महीने की। जून के महीने के लिए आपका कार्ड है पेज ऑफ वॉन्स का। नई शुरुआत, नया काम, कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए जून का महीना अच्छा है, पर मुझे लग रहा है कि आप सोचो कि बस हम बिजनेस खोलें और वो फटाक से पनप जाए तो लियो, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगता है, लेकिन हाँ शुरुआत के लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। जुलाई के महीने में एक रीबर्थ जैसी फीलिंग आ रही है, यानी कि अगर आप लॉसेस में थे, आपका टाइम आपको लग रहा था कि ठीक नहीं चल रहा है, तो फाइनली जुलाई के महीने में आपको फीलिंग आएगी कि शायद चीज़ें अभी बेटर हो सकती हैं। और बहुत सारे बोलूँ तो मुझे आप तीन चार काम यहाँ पे नए शुरू करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगस्त महीने की। अगस्त महीने के अंदर आप काम के अंदर पूरे तरीके से लीन है, आपको बिल्कुल भी अपनी पर्सनल स्पेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ही ओवरलोडेड हैं काम के साथ में आप, और उसकी वजह से मुझे आप बहुत टाइड अप दिखाई दे रहे हैं, टायर्ड दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सितंबर के महीने की। कार्ड आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पर भी जकड़न योकियों बनी हुई है, आपको राहत है कि मिल ही नहीं रही, आपको लग रहा है कि आप इतने सारे कामों को एक साथ शुरू करके थोड़ा सा फंस गए हो, ऐसी फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी, चाह करके भी निकल नहीं पा रहे हो, तो पर यूनिवर्स बोल रही है कि यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, है ना, ये डिसाइड तो आप ही को करना है कि आप चाहते क्या हो, कुछ कामों को कम कर दो और अब रिलीफ ले लो, या फिर सबको चालू रखो और यूं ही फंसे रहो, बट चूज आपको करना है। अक्टूबर के महीने के लिए कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स का, यानी कि पुराने प्रेमी के साथ मुलाकात हो सकती है, आप किसी अपने स्कूल फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, बच्चों के साथ में बहुत अच्छा समय बिताया जा सकता है, बच्चों की आपकी यहाँ पे जरूरत है, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे अक्टूबर के महीने में, आईसी आप बच्चों को लेकर के आउटिंग के लिए भी यहाँ पर जा रहे हो। अगर आपको बेबीज नहीं है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अक्टूबर के महीने में यू विल बी ब्लेस्ड विद द ट्विंस, एक्चुअली मुझे जुड़वा बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नवंबर मंथ की। नवंबर महीने के अंदर आप मुझे काफ़ी सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आई थिंक नवंबर के महीने में आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं और कोई इमोशनल लॉस भी हो सकता है, आपका ब्रेकअप भी जो है इस महीने में मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिसंबर के महीने की। दिसंबर के महीने में कार्ड आया है स्टार का और विश फुलफिलमेंट का। फाइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे 2024 आप काफ़ी ज़्यादा कष्टदायी और स्ट्रेसफुल वाला साल आपके लिए यहाँ रहने वाला है, और फाइनली ये ओवर होते होते 2024 की एनर्जीज भी क्योंकि आपकी लाइफ से एग्जिट ले रही हैं, तो फाइनली एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के अंदर जो है आप एंट्री लोगे दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में अगर आप कोई काम कर रहे थे तो आपके काम को पहचान की प्राप्ति होगी, आपकी विश भी जो है यहाँ पे फुलफिलमेंट मुझे दिखाई देती है। बात करते हैं आपकी गाइडेंस की। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए साल ये अच्छा है, आपको पॉजिटिव रहना होगा क्योंकि ये शुरुआत तो पॉसिबल है, बस शुरुआत में सक्सेस मुझे इस साल में दिखाई नहीं देती, वो सक्सेस मेरे ख्याल से आपको अगले साल जाकर के मिलेगी, बट रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, बट आप पॉजिटिव रहिए, जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार के मामले में भी कमिटमेंट के चक्कर में इस साल आप ना पड़े तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बाकी और राशियों के लिए फिर भी प्यार के ऑफर, प्रपोजल बहुत कुछ दिखाई दिया हमें, बट सिंह राशि वालों के लिए ये साल है फ्लर्ट का। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि हम फ्लर्ट की गाइडेंस क्यों दे रहे हैं, देखिए जब आप क्लियर हैं कि आपको किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना तो फिर आप फ्लर्ट ही करेंगे ना, बट झूठ मत बोलिए, जो भी हो मन में किसी को धोखा मत दीजिए, ओपन रिलेशनशिप में भी रहना चाहते हैं तो ओपन रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन अपने पार्टनर को सब कुछ सच बता करके। ऑल टाइड अप इस साल जो है, आप काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं एक तरीके से अपना खेल, तो लियो ये साल, मैं बोलती हूँ जब समय अगर अच्छा ना हो तो कुछ ना करना इज़ द बेस्ट रेमेडी, तो इस साल आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जानबूझ करके कोई भी पंगा नहीं लेंगे, किसी भी ऐसे कार्य को शुरुआत नहीं करेंगे जिसमें आपको लॉसेस होने के चांस हो। कलर थीम अगर मैं आपको बताऊं पूरे साल के लिए, तो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर जो है आप कैरी कर सकते हो। बाकी आपके लिए जो गाइडेंस है, आपका एंजेलिक मैसेज यानी कि अफर्मेशन मैसेज है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। आई एम फ्री एंड फ्लेक्सिबल, एक्चुअली हमको फ्लेक्सिबल रहना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, अगर हम रिजिड हो जाते हैं तो चीज़ें होती नहीं हैं, तो इस साल आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, जैसे भी काम होता हो अपना काम निकालने की आप
कोशिश करें लियो। तो आई रियली विश यू लक लियो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपका समय मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कष्टदायक दिखाई देता है 2024 के मामले में, तो भगवान आपको उतनी शक्ति दें कि आप अपना ये समय, अपना ये खराब समय थोड़ा अच्छे से निकाल पाएं और इसमें कोई अपनी ना समझी की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज को अट्रैक्ट यहाँ पर ना करें। राइट, अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे वाले नंबर पर बात हो सकती है। सेशंस आर चार्जेबल, दे आर नॉट फ्री। राइट, सो आई रियली विश यू लक लियो, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।